नमस्कार। सबसे पहले तो एचआरडी एजुकेशन ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो मैथ्स का हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे हम त्रिभुज। इससे पहले हम स्टार्ट करें, उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल एचआरडी इंटरनेशनल स्कूल के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा त्रिभुज। अब त्रिभुज है वो हमारी छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासों तक हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार और इसके गुणधर्म क्या क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जब हम नाम आता है त्रिभुज का तो हमें इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए। जैसे कि अब इसका जो नाम है वो क्या है, त्रिभुज, यानी त्रि का मतलब होता है आपके तीन और भुज का मतलब होता है भुजा, यानी तीन भुजाओं वाला वो भुजा होती है उसको हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। यानी इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज की जो आकृति होती है वो इस प्रकार, ये तीन भुजाएं हैं, यानी इसको नाम दे दूं मैं ए बी या ए बी। अब ये आपके क्या हो गया, त्रिभुज। यानी भुजाओं की एक पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। अब ये तीनों भुजाओं से जो बंद गिरी आकृति को हम क्या कहेंगे, त्रिभुज का। तो ये हो गई आपके त्रिभुज की परिभाषा। अब इसके अगर हम प्रकारों की बात करें, सबसे पहले प्रकारों बाद में पढ़ेंगे लेकिन पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे अब इसमें जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज में तीन कोण तीन भुजा वहां तीन शीर्ष होते हैं। यानी कोण भी कितने होते हैं, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, और तीन भुजा होती है, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। और इसके साथ ही जो शीर्ष होते हैं वो भी कितने होते हैं, तीन, यानी पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष। यानी एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज के बारे में। अगर हम इसके बात करें इसके कोणों के बारे में, तो हमें अगर हम बात करें इसके कोणों के बारे में, तो एक तो कोण आता है आपके अंतःकोण और एक आता है आपके बहिष्कोण। तो सबसे पहले जो होता है आपके अंतःकोण, त्रिभुज के अंतःकोण और त्रिभुज के बहिष्कोण। अब अंतःकोण जो अंदर बनने वाले कोण होते हैं, जैसे कोण एक, कोण दो, कोण तीन, यानी ये तीनों कोण क्या कहलाते हैं, हमारे अंतःकोण। क्यों, अंत का मतलब है अंदर बनने वाले कोण, यानी पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण।
और जो बहिष्क कौन होता है वो क्या होता है, बाहर बनने वाले कौन, जो ए बी सी, यानी स्मॉल ए बी और सी के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो अंतर कौन है वो क्या हो जाएगा, कौन एक कौन दो कौन तीन, और जो बहिष्क कौन है वो क्या हो जाएगा, कौन ए बी कौन सी, यानी अंतर कौन कौन एक दो और तीन, ए बी सी ये कहलाएंगे हमारे बहिष्क। तो ये हो गया आपके, पर सबसे पहले इसकी परिभाषा वापस कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन कोण, तीन भुजा वहां तीन शीर्ष होते हैं, और त्रिभुज की जो अंतः कोण है और बहिष्क कोण है। अब अंतः कोण जो अंदर बनने वाले कोण जो कि एक दो तीन है, बहिष्क कोण यानी बाहर बनने वाले कोण यानी ए बी सी। तो इस प्रकार से ये आपके त्रिभुज के बारे में हो गया। अब इसमें एक आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है आपके की, अब ये नोट कर लेना। अब इसके बाद जो इसका त्रिभुज का जो पॉइंट आता है वो कैसे आता है, देखो कि त्रिभुज के अंत कोणों का योग एक सौ अस्सी डिग्री होता है, यानी जो इसके अंदर बनने वाले कोण है एक दो तीन, इन तीनों को जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो उसका जो योग आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 180, ना तो इससे ज्यादा और ना इससे कम, यानी फिर 180 डिग्री इसका योग प्राप्त होगा। तो ये भी आपके इंपोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि कोण एक प्लस कोण दो प्लस कोण तीन, इन तीनों का जो योग होगा वो कितना होगा, 180 यानी 180 डिग्री। तो ये हो गया आपके अंत कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसका जो बहिष्क कोण है उसका जो योग होता है वो कितना होता है, त्रिभुज के बहिष्क कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी बहिष्क कोण यानी जो बाहर बनने वाले कोण है, बी ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, इन तीनों का जो योग आएगा वो कितना आएगा, 360 डिग्री। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली ये बात है कि त्रिभुज में जो अंत कोण है उनका जो योग है वो त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षटभुज उनके लिए अलग अलग आता रहेगा, लेकिन ध्यान रखने जो बहिष्क कोणों का जो योग होता है वो चाहे त्रिभुज के लिए हो चाहे चतुर्भुज के लिए हो चाहे पंचभुज के लिए हो, सभी का जो बहिष्क कोणों का जो योग होता है वो हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। अब वो आकृति जैसे जैसे भुजाएं बढ़ती जाएगी तो बहिष्क कोण प्रत्येक बहिष्क कोण का मान वो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। जैसे अब तो इसमें ध्यान यही ध्यान रखना है कि जो बहिष्क कोण होता है वो चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज हो, उसके लिए जो योग होगा वो हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री। जो अंतः कोण है उनका मान है वो क्या होता रहेगा, आपके चयन होता रहेगा। तो ये ध्यान रखना है। और इसका आपके एक सूत्र भी होता है, जो अगर किसी भी आकृति का चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज हो चाहे षटभुज हो, उसके लिए एक सूत्र होता है जिसके द्वारा हम अंत कोणों का योग प्राप्त कर सकते हैं। और उसका जो सूत्र होता है वो होता है आपके एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, यानी अंत कोणों का जो योग का सूत्र है योग का जो सूत्र है वो क्या है, माइनस टू इंटू 180 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको आप हमें पता चल सकता है कि भाई कौन सी आकृति, जैसे यहां पे जो n है वो आपकी क्या है, भुजाओं की संख्या, n बराबर भुजाओं की संख्या, अब अगर हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे जैसे अगर बात कर लेते हैं कि आपके जैसे एक आकृति दे दे आपको इस प्रकार से,
ठीक है। अब इसमें आपके ये वाला दे दिया x, ये वाला पॉइंट भी है x, ये वाला पॉइंट भी है x। अब हमें ज्ञात करना है कि इसका जो प्रत्येक कोण है वो थीटा डिग्री का होता है, हमें इसे ऐसे पता करना है। ये तो आपके सीधा तीनों कोण इस प्रकार दे दे, यह दे दे जैसे 40 डिग्री ये है, ये 45 है, तो तीसरा कोण ज्ञात नहीं। यानी कोई दो कोण देके एक कोण पूछ सकता है, कोई भी दे सकता है, चाहे ये दोनों देके ये पूछ ले, ये दोनों देके ये पूछ ले, तो उनको हमें बस एक ही ध्यान रखनी है, क्योंकि हम जानते हैं अंत कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। कैसे कि ये हो गए आपके एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि पहला कोण, दूसरा कोण, तीनों कोण क्या है एक्स है, तो तीनों कोणों का जो अंत है, तीनों अंत कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है आपके 180 डिग्री। तो ये हो गया तीनों का योग होता है 180 डिग्री। अब एक्स एक्स और एक्स को जोड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और जब हमें क्या ज्ञात करना है x का मान, तो इस तीन को हम क्या करेंगे पक्षांतर। अब ये गुणे में हम उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा भाग में, यानी हो जाएगा x बराबर 180 अपॉन 3। तो जब इससे ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 60, यानी इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो x का जो मान है वो कितना है 60 डिग्री, इसका मतलब ये भी 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री का। ये हो गया आपके इस प्रकार का। अब ये आपको दे दे जैसे ये बोल इस प्रकार का, दो कोण इस प्रकार के दे दिए, अब तीसरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए भी वही ध्यान रखना है आपको कि तीनों कोण होते हैं वो उनका जो योग है वो कितना होता है आपके 180 डिग्री, यानी x प्लस 55 प्लस 55 बराबर हो जाएगा 180। अब इनको जोड़ेंगे तो x प्लस, अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 110 डिग्री बराबर 180। अब देखो हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी तीसरा कोण ज्ञात करना है, तो इस 110 को हम क्या करेंगे पक्षांतर। तो ये प्लस का किसमें हो जाएगा माइनस में, यानी एक्स बराबर हो जाएगा आपके 180 माइनस 110 बराबर आ जाएगा 70। यानी जो हमारा एक्स का मान है वो कितना आएगा 70 डिग्री, तो ये तीसरा कोण है वो कितना आएगा 70 डिग्री का। तो इस प्रकार से आपके ये काम में आता है जो ये वाला पॉइंट है अंतकोण वाला। अब आपके इसके अलावा एक दो तीन सूत्र और है जो आपको ध्यान में रखना है, जैसे ये तो मैंने लिखा दिया कि अंत कोणों का योग है वो है आपके 2 × 180, और प्रत्येक अंत कोण है उसका जो सूत्र है आपके बराबर हो जाएगा आपके n माइनस 2 × 180 बटा n हो जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या का हम क्या देंगे इसमें भाग देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा प्रत्येक अंत कोण। ये होता आपके 22 कोणों का योग, इसमें हो जाएगा आपके 22 कोणों का जो योग है वो कितना होता है आपके 360 डिग्री। चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षट्भुज हो, कितनी भी भुज हो, यानी कि कौन सी किसी भी आकृति का जो इसका जो 22 कोणों का जो योग आएगा वो हमेशा कितना आएगा 360 डिग्री, और प्रत्येक 22 कोण का जो मान आएगा प्रत्येक 22 कोण का मान
प्रत्येक बरिश कौन बराबर हो जाएगा 360 बट्टा एन, एन हो जाएगा यहां पर भुजाओं की संख्या। तो एन बराबर भुजाओं की संख्या। अब प्रश्न कैसे आता है, अगर एक प्रश्न मैं बता देता हूं आपको कि किस प्रकार से पूछ सकता है, जैसे कि यदि प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि यदि प्रत्येक अंतःकोण का मान 60 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। ये हमारा प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो आप देखो प्रत्येक अंतःकोण, यानी प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र क्या है, n माइनस 2 इंटू 180 बटा n। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो इसकी जगह कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा n माइनस 2 180 बटा हो जाएगा n। अब देखो अब जो n है इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके 60n n माइनस 2 इंटू 180। अब देखो अब जो अब इनको गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 60n बराबर 180 को n से गुणा करेंगे तो 180n माइनस हो जाएगा आपके 360। अब n n को करेंगे हम एक तरफ और संख्या को करेंगे एक, तो हो जाएगा आपके 80n माइनस 60n बराबर हो जाएगा 360। ये हो जाएगा आपके 120n बराबर हो जाएगा 360, n बराबर हो जाएगा आपके 360 बटा 120। 0 से 0 कैंसिल, 12 से 36 कटेगी, यानी 3 भुजाओं की संख्या वो कितनी आएगी आपकी 3 आएगी। और यही हमें क्या करना था, याद करना था। तो इस प्रकार से हमें प्रश्न करना है और इस प्रकार से ही प्रश्न आते हैं। अब इसके जो आज के जो एच डब्ल्यू है वो आप देख लीजिए और फिर आपको उन एच डब्ल्यू होमवर्क को आप घर पे करना और जो ग्रुप बनाया हुआ है हमारे स्कूल की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वापस इसके जवाब भेजने हैं ताकि वो चेक हो पाए। तो एच डब्ल्यू आज का पहला प्रश्न। अब जैसे यदि भुजाओं की संख्या 5 है तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताइए। ये हो गया पहला प्रश्न। अब ये और आपके जैसे
तो इस प्रकार से आपके पहला प्रश्न यदि भुजाओं की संख्या 5 है तो प्रत्येक बहिष्कोण का मान बताइए और अज्ञात राशि का मान यानी यहाँ पे x का मान हमें ज्ञात करना है। 3 आकृति आपको दे रखी है और उनका हमें x का मान ज्ञात करना है। तो आज का जो HW है वो ये है और अब जो त्रिभुज का जो पहला पार्ट है वो आपके आज यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरा पार्ट मैं लेके आऊंगा कल और उसके बारे में फिर उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, हम त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं और उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले अब आप हमारे यूट्यूब चैनल एच आर डी इंटरनेशनल स्कूल को पर जाकर आप इन वीडियो को देख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।